अटल टनल पर सियासत थमने का नाम नहीं ले रही है। बीते दिनों कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर ने अटल टनल से साल 2010 में यूपीए की तत्कालीन अध्यक्ष सोनिया गांधी की शिलान्यास पट्टिका हटाने का मामला उठाया था, जिसमें उन्होंने सरकार को 15 दिन का अल्टीमेटम दिया था। पत्रकार वार्ता में राठौर ने सरकार को चेतावनी दी थी कि अगर 15 दिन के भीतर पट्टिका नहीं लगाई गई तो कांग्रेस पार्टी सड़कों पर उतरकर आंदोलन करेगी। मामले की तूल पकड़ने के बाद इस मामले पर जिला कुल्लू के पुलिस अधीक्षक ने बयान जारी करते हुए कहा कि शिलान्यास पट्टिका पूरी तरह से सुरक्षित है और उसे वर्कशॉप में रखा गया है। कि मैंने मुख्यमंत्री जी को पत्र लिखा था और उसकी एक प्रतिलिपि डीजीपी हिमाचल प्रदेश को प्रेषित की थी, जिसमें हमने मांग की थी कि जो रोहतांग टनल में शिलान्यास पट्टिका श्रीमती सोनिया गांधी, जो तत्कालीन यूपीए की चेयरमैन थी, वो वहाँ से गायब है, उसकी जांच की जाए और पट्टिका को जो है पुनर्स्थापित किया जाए। बीआरओ की तरफ से जो कंपनी काम कर रही है SAJV, इस कंपनी के मैकेनिकल वर्कशॉप में इस पट्टिका को सुरक्षित रखा गया। चलो, एक बात तो साफ हुई, पता तो लगा कि चोरी नहीं हुई है, इसे रखा गया। अब मैं कुछ प्रश्न पूछना चाहता हूं। अच्छी बात है, ये पट्टिका सुरक्षित है। हम ये कहना चाहते हैं कि ये जो शिलान्यास की पट्टिका थी, इसे किसके इशारे पे वहां से हटाया गया, इसलिए कि इस पट्टिका को हटाया जाए। क्योंकि बीआरओ का यह कहना कि अगर आदेश होगा तो हम लगाएंगे, अब हमको ये बताएं कि किसके आदेश का इंतजार है। निश्चित तौर पे जिसके आदेश से ये पट्टिका हटी है, जो बीआरओ के ऑफिसर्स हैं, वो उनका आदेश चाह रहे होंगे। ये मामला पूरे देश में उजागर हो, हमने जो समय सीमा सरकार को दी है, सरकार तुरंत प्रभाव से श्रीमती सोनिया गांधी जी की शिलान्यास पट्टिका को जिस स्थान पे ये पहले लगी थी, उस स्थान पे जो है पुनर्स्थापित करे और इतिहास के साथ छेड़छाड़ करने का प्रयास बंद करें, अन्यथा अगर कल को कोई आंदोलन होता है, उसकी जिम्मेवारी प्रदेश सरकार की होगी। हिमाचल प्रदेश में कोरोना लगातार बढ़ रहा है, अब तो स्थिति यह हो चुकी है कि प्रदेश के मुख्यमंत्री, प्रदेश के मंत्री, अधिकांश मंत्री, विधानसभा के अध्यक्ष कोरोना संक्रमित हो गए। ये कोई अच्छा संकेत नहीं है। जो भी नेता संक्रमित हुए हैं, हम प्रार्थना करते हैं कि वो जल्दी ठीक हो, उनका स्वास्थ्य जल्दी ठीक हो, क्योंकि ये बीमारी किसी को भी हो सकती है। लेकिन आज जिस ढंग से पूरे के पूरे प्रदेश में लगातार मामले बढ़ रहे हैं, 250 से ज़्यादा जो है लोग मृत्यु का शिकार हो चुके हैं, 18,000 से ज़्यादा मामले और लगभग 2500 एक्टिव केसेस, ये बहुत विस्फोटक स्थिति है। सरकार सख्ती से अनुपालना करे। अब तो भारी राज्यों में बसें भी चल पड़ी हैं, बसों में सुरक्षा के समुचित प्रबंध होने चाहिए, थर्मल स्कैनिंग होनी चाहिए, मास्क लगाने के जो नियम है, खासकर सार्वजनिक स्थानों पे सख्ती से लागू किया जाना चाहिए। उज्जवल हिमाचल के लिए शिमला से ब्यूरो रिपोर्ट।